हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा और मेरे चैनल रिचा किचन पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, साथ में अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लो ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए रिचा किचन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरी रेसिपी की सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू रिचा किचन पॉइंट। आज मैं बनाने जा रही हूँ हलवाई जैसा गाजर का हलवा। इसमें कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो आपको खुद हलवाई भी नहीं बताएगा, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखना और आप भी बनाना सीख जाएंगे बिल्कुल हलवाई जैसा गाजर का हलवा बनाना। तो यहाँ मैंने गाजर ली है, ये लाल वाली गाजर लेनी है आपको। ये 1.25 किलो गाजर ली है जिसको मैंने छील लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले मैं इसको एक मिक्सी का जार लूंगी और उसमें छोटे छोटे पीस करके इसमें डाल दूंगी। इसको आपको चटनी नहीं बनानी है, केवल ग्राइंड करना है, थोड़ा दरदरा इसको पीसना है आपको। इससे क्या है, आपकी मेहनत भी बच जाती है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने अच्छे से इसका दरदरा पेस्ट तैयार कर लिया है। ये बिल्कुल देखिए चटनी नहीं बनी है गाजर की। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा जूस होता है वो अलग कर देंगे। कपड़े में ऐसे आप एक साफ कपड़ा लीजिए, चाहे आप कॉटन का कपड़ा ले लें। तो यहां मैं इसमें रख रही हूं और इसका जो एक्स्ट्रा जूस होता है केवल आपको वो निकालना है। इसका ज्यादा कसके नहीं निचोड़ना है, इसे हल्के हाथ से आप इसको निचोड़ें। जो एक्स्ट्रा जूस होगा वो इसका अलग कर लीजिए आप। ये देखिए, और ये जूस आप बिल्कुल भी फेंकना नहीं, ये काफी हेल्दी जूस होता है। हलवाई जो क्या करते हैं वो उबालने के बाद इसको जूस को निकालते हैं और फेंक देते हैं, लेकिन आप इसको बिल्कुल ना फेंकें। तो ये देखिए, ज्यादा कसके नहीं निचोड़ना है, केवल एक्स्ट्रा जूस निकालना है। कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। आपको केवल 60% जूस निकालना है इसका और इसे फेंके नहीं, इसको आप नमक डाल के और नींबू डालकर पीजिए। बहुत ज्यादा हेल्दी जूस होता है ये, या इसको आटे में भी मार सकते हैं। और यहां मैं एक कुकर ले रही हूं, उसमें लगा रही हूं 1 चम्मच देसी घी। घी हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने जो गाजर को बुरादा बनाया है गाजर का, वो इसमें हम डालकर इसको उबालेंगे ताकि गाजर इसमें जले नहीं। तो घी आप थोड़ा ज्यादा भी लगा सकते हैं। तो सारी गाजर हम इसमें डाल देंगे। और इसका कुकर का ढक्कन लगाकर हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसमें 1 सीटी लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल लो फ्लेम आप कर दें और सीटी आने के तुरंत बाद आप इसको खोल दें कुकर को। तो ये देखिए, सीटी निकल चुकी है और मैं कुकर खोल रही हूं। ये देखिए, गाजर काफी अच्छे से गल गई है। अब हम इसको एक साइड में रख देते हैं। अब हम लेते हैं एक कढ़ाई और उसमें मैं डाल रही हूं थोड़ा सा देसी घी। हमने गाजर को कुकर में इसलिए उबाला था ताकि वो जल्दी बन जाए, वरना हम डायरेक्ट कढ़ाई में डालकर बनाते तो समय थोड़ा ज्यादा लगता है। इसलिए कम समय में हम गाजर का हलवा बना रहे हैं, जल्दी बन जाएगा इससे। तो यहाँ देसी घी गर्म हो गया है और मैं डाल रही हूँ इसमें गोंद। थोड़ी सी मैंने गोंद ली है जिसको मैं अच्छे से फुला लूंगी। ये तो गोंद फूल गई है अच्छे से और मैं इसको एक किसी बर्तन में निकाल लेती हूं। अब मैं डालूंगी इसमें 1/2 कटोरी काजू। थोड़ी सी मेवा हम और इसमें फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट्स हम कच्चे भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसे ज्यादा समय तक रखेंगे इसीलिए हम ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। यहां डाल रही हूं मैं थोड़े से पिस्ता, थोड़े से कटे हुए बादाम। अपने मन से आप ड्राई फ्रूट्स बढ़ा भी सकते हैं, जो आपके पसंद हो। और थोड़ी देर हम इनको फ्राई करेंगे। अगर आप इस तरीके से हलवा बनाएंगे तो आप 1 से 2 हफ्ते तक रखकर खा सकते हैं हलवे को, हलवा आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, इनको भी मैं एक अलग बर्तन में निकाल लूंगी।
तो ड्राई फ्रूट्स देखिए तैयार हैं, इनको एक साइड में रख देते हैं। और जो हमने गाजर उबाली थी वो इसी बचे हुए घी में हम इसमें डाल देंगे, फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम पे इसको थोड़ी देर हम भूनेंगे, क्योंकि उबलने के बाद थोड़ी और ज़्यादा ये पानी छोड़ने लगती हैं गाजर, थोड़ी पनीली सी हो जाती हैं, इसलिए इनका थोड़ा सा पानी सुखाना है। तो लो फ्लेम पे इसको 2 मिनट तक आप भून लें लगातार चलाते हुए। तो ये देखिए गाजर अच्छे से भुनने लगी है, काफी अच्छी महक भी आने लगी है इसमें। बीच बीच में आप जरूर चलाते रहें इसको, बिल्कुल ऐसे ना छोड़ें, क्योंकि इस समय इसमें पानी नहीं है, वरना ये लगने लगेगा और जल जाएगा। इस बात को आपको खास ध्यान रखना है कि इसमें गाजर लगे नहीं, जले नहीं बिल्कुल भी, वरना टेस्ट खराब हो जाता है। और यहां मैं डाल रही हूं 1 कटोरी चीनी, और चीनी डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स करें। जो हम चीनी डालते हैं ये चीनी फिर मेल्ट होती है, जिससे फिर ये दोबारा पतला हो जाता है हलवा। अब चीनी मेल्ट होने तक आप इसको चलाना। ये हलवा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा जल्दी, इसे आप 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक रखकर आराम से खा सकते हैं। तो यहां मैं डाल रही हूं 300 ग्राम खोवा, जिसे मावा भी बोलते हैं। इसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूं, और ये मेरे फ्रिज का रखा हुआ मावा था, इसलिए थोड़ा सा ये जम गया है। तो ये घर का बना हुआ मावा है, इसीलिए मैंने इसको पहले भूना नहीं है। अगर आप बाजार से मावा लाते हैं तो उसे भी आप पहले भून लें अलग कढ़ाई में, तब उसमें डालें, क्योंकि बाजार वाले थोड़ा कच्चा मावा बेचते हैं, उससे क्या है जो हलवा होता है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो यहाँ देखिए हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है, मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इलायची का पाउडर, 6-7 इलायची को आप अच्छे से पीस लें और उसका पाउडर डाल दें, और यहाँ थोड़ा सा गोले का बुरादा टेस्ट के लिए, और सभी को मिक्स कर लेंगे। और इसमें गोंद ना डालें, आप गोंद तब डालें जब आप खा रहे हो इसको ऊपर से डेकोरेट करके उसको, क्योंकि जब गोंद है मुंह में आती है वो क्रंची क्रंची लगती है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।